सिक्स क्लास के मेरे विद्यार्थियों, तुहाडा 6 तरीक नूं होया बाई मंथली जुलाई महीने का टैसट का सल्यूशन तुहानूं समझा के भेज रहे हैं ताँ जो तुहानूं तुहाडे नंबर पता लग सकन कि तुहाने तुसीं किन्ने क्वेश्चन सही किए ने, तुहानूं किन्ने मार्क्स आने ने, ते तुसीं जिहड़े क्वेश्चन गलत हो गए ने वह क्यों गलत होए ते वह किदां सही होने सीगे। तो इसलिए इस वीडियो नूं बहुत ही ध्यान नाल सुनना है, देखना है, तो फिर इन्हां क्वेश्चन नूं समझना भी है कि जिहड़े गलत होए ते वह अगे तो गलत ना हो सकन। हुण ध्यान नाल देखियो सारे, पहला प्रश्न तुहाडे कोल है, रोमन संख्या प्रणाली विच 100 कहड़ा संकेत है। इन रोमन नंबर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज फॉर 100। बेटा मैं तुहानूं दस्सिया सीगा बहुत ही सौखे ढंग नाल LCD घरां च लगी होंदी ना, LCD है ना, L हुंदा है 50, ठीक है ना, C हुंदा है 100, D हुंदा है 500, ठीक है ना। तो हुण तुहानूं साफ पता लग गया ना तुहाडा आंसर की होएगा, तुहाडा आंसर होएगा C ऑप्शन। देखो तुहाडे कोल किहड़ा है, तीजा ऑप्शन, क्वेश्चन फर्स्ट दा सी ऑप्शन तुहाडा आंसर आ गया है। उम्मीद है तुहानूं समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हेठ लिखिया विच्चों किहड़ा रोमन संख्या प्रणाली अनुसार अर्थहीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलैस अकॉर्डिंग टू रोमन सिस्टम, देख लें आपां। पहला है बेटा जी L, ये तो 10 हों, अब हमने दस 50 होंगे है। फिर है LXIX, 50, 10, 9, ये तो 50 तो 10, 60 69 हो गया है ना। अगला देखो X ते C होंगे है 100, पिछे आ गए 10, 100 चो 10 गए 90। फिर आ गया IL, 1 ते 50, बेटा 50 दे विचों 1 माइनस नहीं होंगे, घट्टो घट 10 माइनस होंगे, ये मतलब आ ग चीज़ गलत लिखी गई है। IL D ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सैकेंड का जी, D ऑप्शन तुहाडा आंसर आ गया है। उम्मीद है तुहाडे पहले 2 क्वेश्चन सही होणगे, ते जेकर गलत है तो समझ जाओ कि गलती की गई है। तीजा क्वेश्चन देख रहे हैं, वट विल बी द इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबरस, हेठा दित्तियां संख्यावां दा वधदा क्रम की होवेगा। देखो ध्यान नाल, साडे कोल संख्यावां कीड़ियां ने, 751 है, 755 है, 715 है। वधदा क्रम बेटा, बढ़दा हुआ क्रम दा मतलब हुंदा सब तो छोटा अक्षर सब तो पहला आंदा है, 715 पहला आएगा, उस तो बाद आंदा है 751, उस तो बाद आंदा है 755। ये तुहाडा आंसर होना चाहिए, इन्हां मैच करदे हां आपां। सब तो पहला 715, आ देखो आ दो ऑप्शन दे विचों इक होएगा, फिर 751 सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर तीजे दा सी ऑप्शन आ चुका है तुहाडा। उम्मीद है समझ आया होएगा। हुण चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं, 40099 द अगेतर विच एक जोड़ते हैं ना, पता ना, तो 9 ते 1 10 जीरो उपर 1, 9 ते 1 10 जीरो उपर 1, 1 का 1 उतर गया 0, सेम 40। 40100 तुहाडे कोल बी ऑप्शन आ चुका है चौथे क्वेश्चन का। तो 4 क्वेश्चन साडे कंप्लीट हो चुके हैं, हुण पंजवा क्वेश्चन करांगे। ध्यान नाल देखियो, पंजवें क्वेश्चन दे विच तुहानूं एक डायग्राम दिता गया, ध्यान नाल देखना डायग्राम नूं तुसीं। देखो बेटा, 0 तो गए 3 कदम है ना, फिर 3 तो गए असी 1 2 3 4 5 कदम है ना। पहला असी किन्ने कदम तुरे ने, 3 कदम तुरे ने, फिर असी 1 2 5 कदम तुरे ने, ते दोनों ही आपां सज्जे पासे गए तां उहनां दे विचकार की आएगा, प्लस आएगा। इहदा मतलब 3 जमा 5 साडा आंसर होना चाहिए है। आपां ऑप्शन चैक कर लैंदे हां, साडे कोल ऑप्शन देखो तुहाडे कोल 4 आ गई हैं, 3 जमा 5, 3 माइनस 2, 3 गुणा 2, 3 भाग 2, साडा आंसर की आया है 3 जमा 5। इहदा मतलब साडा ऑप्शन A इज द राइट आंसर। इस तरह साढ़े क्वेश्चन पंजवें क्वेश्चन का की आंसर आ गया है, ई ऑप्शन आ चुका है। उम्मीद है समझ आया होगा। 6वां क्वेश्चन देखो बेटा जी, साढ़े को 2,300,000, पहला ध्यान तो तुम सारे दस्या होया बेटा जी, सब तो पहला 3 लाइन होंदिया है 100 की, फिर 2,000 की, 2,00,000 की, ठीक है जी। हूँ आप नंबर भरेंगे तो आंसर कटा, ध्यान देखियो, सब तो पहला सूँ किया जा रहा है 2,300,000, तो 1,00,000 का घर होंगे अवला, आ 1,00,000 का घर है ना, लो जी 2,300,000 पूरे हो गए। फिर कहते 30,000, तो 1,000 के खाने 30 लिखना सी, लो जी 30 लिख लिया। फिर आ गया 10, कला 10 होंगे है, देखो 2 10 होंगे 2 अखर च है ना, साढ़े को तीजा अखर है, तो वह 0 1 0 बनेगा, ये मतलब साडा आंसर होगा 2 3, फिर 3,
फिर दो जीरोवां, पहला तो हो नहीं सकता, दो तीन तीन दो जीरोवां, इतने तीन जीरोवां ने, यह भी नहीं हो सकता, दो तीन तीन दो जीरो एक जीरो, सी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर गया। देखो इस तरीके नाल सवाल नूं करया करो, कॉमे के हिसाब नाल कदे भी गलती नहीं होगी। सतवां सवाल कहता है कि हेठा लिखियो विच्चों केड़ा जीरो नूं नहीं दर्शाउंदा। देखो ध्यान नाल, पहला है एक जमा जीरो, सारे नूं पता है कि जोड़ विच जीरो जोड़न ते कोई फर्क नहीं पैंदा, जो रकम है उही वापस आ जाती है। जीरो गुणा जीरो जीरो ही हुंदा है, जीरो भाग दो भी जीरो ही हुंदा है, दस माइनस दस गुणा दो, दस तो दस घटाए जीरो, जीरो गुणा दो भी जीरो ही हुंदा है। ये भी जीरो आंसर आ गया, ये भी जीरो आंसर आ गया, ये भी जीरो आंसर आ गया, पर एदा जीरो आंसर नहीं आया। पहला ऑप्शन सानू जीरो शो नहीं करता है, एदा मतलब सत्तवें क्वेश्चन का ऑप्शन कहड़ा आ गया, ए ऑप्शन आ गया। अठवें क्वेश्चन चलते हैं, संख्या दो अठ सत्त पंज विच पंज दा स्थानक मूल की है। संख्या कड़ी है दो अठ सत्त पंज च, प्लेस वैल्यू बेटा पंज दी प्लेस वैल्यू देखो, पहले अक्षर है इस करके पंज ही आ गई, लेकिन तुहानू पता है कि प्लेस वैल्यू दे विच की हुंदा है, जिहड़े अक्षर नू लिख के उस तो बाद वाले जीरो लगदे, जिद्दां दो अठ पंज सत्त हुंदा तां पंज उस तो बाद एक अक्षर है तो जीरो, पंजाह आंदा आंसर है ना, पर ए कंडीशन दे विच पंज ही साडा आंसर आएगा, क्योंकि इत्थे प्लेस वैल्यू ते फेस वैल्यू दोने सेम हो जांदे ने। तो क्वेश्चन नंबर अठवें का साडा ए ऑप्शन आ गया, उम्मीद है समझ आ रहा तुहानू। हुण नौवां क्वेश्चन देखो, हेठ लिखिया विच्चों किहड़ा पूर्ण संख्यावां लई चुड़ात्मक तत्समक है। याद रख लो बेटा जी इस गल नूं कि चुड़ात्मक तत्समक की हुंदा है, चुड़ात्मक तत्समक हमेशा जीरो हुंदा है, इस गल दा याद रखियो। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी या जिसनूं असी चुड़ात्मक तत्समक कहने आ, वो हमेशा जीरो हुंदी है, ये नहीं पूरे कदे भी भुलना। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ जाती जा गुणात्मक तत्समक हों वो एक हों, इस करके साथ जो आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर नाइन, वो हैगा डी ऑप्शन। दसवां क्वेश्चन देखो, इतने क्वेश्चन दे थोड़ी जी मिसटेक सी बेटा, क्वेश्चन गलत सगा, चार जमा तीन बराबर है, सेम ही लिखता ना चार जमा तीन, जबकि इतने सगा तीन जमा चार, चार जमा तीन तीन जमा चार, एक करम वटंदरा हो गया ना, देखो करम इदा सीगा हुण वटंदरा हो गया, बदल गया, तो यह होंदा है करम वटंदरा, देखो जी जोड़ दा करम वटंदरा है ना, सी ऑप्शन जोड़ दा करम वटंदरा। अगला क्वेश्चन देखो ग्यारहवां, फिलिंग द ब्लैंक्स, एक लख ध्यान देखियो सारे, एक लख विच किन्ने हज़ार होंदे ने, देखो एक लख दे विच होंदे ने, तुहानूं मैं दस देना, एक दो तीन एक दो यही होंगे ना लख का घर, एक लख का मतलब जीरो एक लिखा, बाकी सारे जीरो, तो एक लख के जीरो लिखने की लड़ ही नहीं, एक लख के पांच जीरो आदि ने, हूँ किन्ने हज़ार होंगे ने पूछ रहा, ठीक है ना। हूँ देखो किन्ने हज़ार होए, ध्यान देखना सारे ने, साढ़े को एक लख के सौ हज़ार होए ने, देखो सौ हज़ार होए ने ना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, एक लख के किन्ने हो गए सौ हज़ार, सॉरी एक लख विच दस हज़ार किन्ने हैं, सॉरी 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 बेटा जी, दस हज़ार दस ने, दस दस हज़ार, दस हज़ार के चार जीरो होंगे ना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार, चार जीरो हो गया, एक दो तीन चार जीरो छड़ देनिया ने, तो दस आंसर आ गया। तो साढ़े को दसवें क्वेश्चन का, ग्यारहवें का सॉरी ग्यारहवें क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया है बी, समझ लग गई। बारहवां क्वेश्चन देखो, बारहवें क्वेश्चन च कहना एक नूं जे एक नाल भाग करिए बेटा जी एक ही आऊगा, तो साडा ऑप्शन बहुत ही सौखा क्वेश्चन ए साडा आंसर आ गया। तेरहवां क्वेश्चन भी बहुत सौखा है बेटा जी, कहता है कि सब तो छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर, याद है तुहानूं होल नंबर जीरो तो शुरू होंदे ने, पूर्ण संख्यावां जीरो तो शुरू होंदी ने, इस करके सब तो छोटा पूर्ण संख्या की होएगा जीरो। तेरहवें क्वेश्चन का बी ऑप्शन आ चुका है। हुण आपां चौदहवां क्वेश्चन करांगे, जीरो नाल किसी नूं भी जीरो बटा भाग नौ नौ नूं, जीरो नाल किसी नूं भी भाग करो जीरो ही आंसर आता, इस करके साडा आंसर की होएगा, क्वेश्चन नंबर चौदहवें का बी ऑप्शन हो गया। पंद्रहवें क्वेश्चन जो देखो, किसी भी संख्या विच जीरो का स्थानक मूल की है, किसी भी संख्या विच बेटा जीरो का स्थानक मूल हमेशा जीरो ही हुंदा है, इस करके जीरो ही आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर पंद्रहवें का बी ऑप्शन।
लो जी 16वां ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ गया सही गलत। सिफर सब तो छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो हमने हमने समझाया बेटा जी पूर्ण संख्यावां 0 तो शुरू होंदियां ने लेकिन प्राकृतिक संख्यावां 1 तो शुरू होंदी है। तो फिर 1 तो जे कोई संख्या शुरू ही 1 तो होंदी है तो सब तो छोटा अंक भी तो 1 ही होएगा ना, 0 नहीं हो सकता। गलत कह रहा है, तो 16वें क्वेश्चन का गलत आंसर आया है बी ऑप्शन। 17वें ते पहुंच गए बेटा जी आपां। 499 का अगेतर, सारे नूं पता 499 का अगेतर कढ़न लई असीं 1 जोड़दे हाँ तां 500 आंदा है। बिल्कुल सही कह रहा है, ऑप्शन ए सही। 18वें क्वेश्चन ते पहुंच गए आपां। 25 कहिंदा है 205 तो वड्डा हुंदा, हाउ इज़ पॉसिबल, नहीं 25 तो छोटा हुंदा है। देखो जिथे मुँह खुला हुंदा ना उन्हूं वड्डा कहिंदे आ, 25 वड्डा है 205 तो। गलत, बी ऑप्शन यह गलत कह रहा है, ठीक है ना। उस तो बाद असी पहुँच गए 19वें क्वेश्चन ते। 8745 0 नूं 1 नाल पाक करिए तां 8750 आंदा है, 1 थोड़े ना आंदा है किसी भी संख्या। देखो 8750 नूं 8745 0 नूं विचकार रखिए ते 1 नूं बाहर रखांगे तां सेम ही आंसर आएगा। गलत कह रहा है, इहदा मतलब 19वें क्वेश्चन दा आंसर की आया है, गलत आ गया है। तो देख लो 16वें का भी गलत, 17वें का सही, 18वें का गलत, तो 19वें का भी गलत आ गया है। लास्ट क्वेश्चन ते पहुँच गए ने बेटा आप, एक एक नंबर वाले 20वें क्वेश्चन ते ध्यान देखियो। कहता है 4902 नाल ना दुरांदे हुए 4 अंकों की छोटी संख्या, छोटी संख्या में याद है ना 0 तो शुरू नहीं करते, 2 आएगा पहला फिर 0 आएगा फिर 4 फिर 9 49 जबकि इतने यार 0 तो शुरू कर रहा है, गलत कर रहा है। ए भी तुहाडा गलत आ गया है, इहदा मतलब क्वेश्चन नंबर 20 दा आंसर भी तुहाडा की आ गया है, गलत बी ऑप्शन। तो इस तरह साडे एक एक अंक वाले बेटा जी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके ने, ते असी ते नैक्सट किया है ताकि सानू अगला क्वेश्चन मिल सके। 21वां क्वेश्चन तुहाडे सामने है बेटा जी 2 अंकों का। कहिंदा है 87 × 313 दा निकटतम अंदाजा, ध्यान सुनना है। 87 नूं असी पहला निकटतम देखांगे, 87 है 90 दे निकट ते 313 है 300 दे निकट, ठीक है बेटा जी। हुण इहनूं गुणा करनी है, 9 + 3 हुंदा है 27 ते किन्ने 0 ने 3 0 ते इहदा निकटतम अंदाजा 27000 बनदा है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21वें दा बी ऑप्शन समझ लग गई, 87 है 90 दे नेड़े, 313 किहदे नेड़े है 300 दे, गुणा कितने आंसर आ गया, ठीक है। गुणा भी सौखी करनी है, 9 × 3 = 27 ते 3 0 नाल ला देने हैं। हुण 22वां क्वेश्चन देखो बेटा जी, 22वें क्वेश्चन दे विच 7 × 3 = 4 पूछा जा रहा है। 7 × पहला ब्रैकेट नूं सॉल्व करो, 3 × 4 किन्ने हुंदे ने 7 × 7 = 49 ते लो जी साडा ऑप्शन आ गया जी डी ऑप्शन आ गया 22वें क्वेश्चन का। इस तरह साडा 22वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद है समझ आ रहा है ते तुसीं बिल्कुल सही किते होणगे क्वेश्चंस। हुण आपां अगे चलदे हां 23वें क्वेश्चन वल। 7 6 5 4 2 5 दा स्थानक मुल भी कढ़ना है ते अंकित मुल भी, तुहानूं याद होएगा जो स्थानक मुल हुंदा है, स्थानक मुल वह हुंदा है जिस अंक दा कढ़ना है वह लिख के, उस तो बाद जिन्ने भी अक्षर है उन्ने 0 जिसनूं असीं प्लेस वैल्यू बोलते हाँ। तो जिहड़ा अंकित मुल हुंदा है ना बेटा जी, अंकित मुल हुंदा है जिहदे विच जिस अंक जिस अक्षर का अंकित मुल कढ़ना है फेस वैल्यू उही बस। ये मतलब हुण आपां इहनां दा अंतर पता करना है, 500 दे विचों 5 घटाओ, 10 ने इधरों हासिल लिया 0 ने 10 बन गया, 5 रह गए इधर 9 आ गया, 9 दा 9 बन गया, इत्थे हासिल लैके आ गए 495 तुहाडा आंसर आया बेटा जी डी ऑप्शन। 23वें क्वेश्चन का साडा आंसर आ गया है डी। हुण आपां 24वां क्वेश्चन करते हैं। एक डेयरी दे हर हफ्ते 448 लीटर दूध आता है, किन्ना 448 लीटर दूध आता है, तो 4 हफ्ते विच किन्ना आएगा, दैट्स वेरी ईजी। 1 हफ्ते दे विच 448 ते 4 हफ्ते दे विच असीं 4 नाल गुणा कर देने हां, दे करदे हो ना, 8 × 4 = 32, 2 + 3 4 × 16 17 18 19, 9 + 1 4 × 16 = 1 1792 साडा आंसर आ चुका है बेटा जी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन आ चुका है। हुण आपां क्वेश्चन नंबर 25 करांगे, ध्यान नाल देखियो। कहिंदा है कि इस पैटर्न नूं ध्यान नाल देखो, पहलां 1 × 1 सी तां 1 आ गया, 2 1 इधर 2 2 1 हो गए तां 1 फिर 2 फिर 1 आ गया,
तीन होए तो एक दो तीन, मतलब गिनती तीन तीन वारी एक लगाई नहीं तो एक दो तीन तक गिनती जानी, फिर पुट्ठी गिनती शुरू होनी दो एक, तो चार विच की होएगा एक फिर दो फिर तीन फिर चार, चार हो गया एक दो तीन चार, फिर पुट्ठी गिनती चार तो बाद पुट्ठी गिनती तीन दो एक, यही आंसर आएगा ना। तो साडा आंसर आ गया एक दो तीन चार तीन दो एक। तो इस तरह तुसीं ध्यान देखो साडे कोल जिहड़ा ऑप्शन है वह की आ गया है एक दो तीन चार तीन दो एक, बी ऑप्शन साडे कोल राइट आंसर आ गया है इस 25वें क्वेश्चन का। 26वें क्वेश्चन देखो बेटा, 26th क्वेश्चन की कह रहा है, दो गुणा 1497 गुणा 50 टू इंटू 1497 को 50 से इंटू करना है पर ढुकवें क्रम नाल। तो सारों पता है कि दो नाल पहला 50 नूं गुणा करांगे जो बनेगा 100, तो किसी भी देखो हूँ की रह गया, देखो ये 100 बन गया, रह गया 1497 गुणा 100, तो किसी नूं भी 100 नाल गुणा करो तो सेम रकम दे अगे दो जीरो लग जाती है। साडा आंसर आ गया 147900, सी ऑप्शन आ गया साढ़े को 26वें क्वेश्चन का। उम्मीद है समझ आया होगा। हूँ आप 27वां क्वेश्चन करांगे। 27वां क्वेश्चन देखो, 63 का रोमन अंक की होगा, वट इज़ द रोमन न्यूमेरल ऑफ 63। बेटा 63 होंदा है 60+3, है ना, तो 60 नूं असीं लिखते हाँ, तो ना देखो एल सी डी याद पे ना तुहानू, एक्स भी होंदा सर अगे एक्स होंदा है, इधर एम होंदा है, याद होगा ये होंदा है 50, ये होंदा है 100, ये होंदा है 500, ये तुहाडे कोल 10 है, ये तुहाडे कोल की है 1000। हुण तुसीं देखो असीं लिखना है 60, 50 ते 10 मिल के बनाउंदे ने 60, पहला 50 आएगा एल, फिर 10 आएगा 60, ते 3 की होंदा है एक 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 एक, इहदा मतलब एल एक्स 3 1। देखो साफ ही दिख रहा तुहानू सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन आ चुका है। उम्मीद है समझ आई होएगी। हूँ आप 28वां क्वेश्चन करांगे, ध्यान देखियो। लो जी बेटा की कहता है, देखो ये तो सिंपल भी कर सकते सीगे तुसी, 7 किन्ने वारी ने, 5 वारी, ठीक है, फिर 4 वारी, फिर 3 वारी, फिर 2 वारी, फिर 1 वारी, हम जोड़ करते हैं 7-5 वारी ने, 7-7 7-5 35, 5 उपर 3, 7-4 28 29 30 31, 1 उपर 3, 7-2 21 22 23 24, 4 उपर 2, 7-2 14 16 6 उपर 1, 7-1 8 86 415, साडा ऑप्शन आ गया 20वां ऑप्शन, ठीक है बेटा जी। 28वें क्वेश्चन का साडे कोल की आ गया है, बी ऑप्शन आ चुका है। हुण आपां 29वां क्वेश्चन करांगे, वोटां दौरान सफल उम्मीदवार नूं किन्ने वोट मिले। 29वें क्वेश्चन की गल कर रहे हैं बेटा जी, 5765 वोट, ते नेड़ले विरोधी नूं किन्ने मिले, 3427 वोट। कहिंदा है जीतण वाले उम्मीदवार नूं विरोधी तो किन्ने वोट ज़्यादा मिले, घटाओ घटाओ करांगे ना, 5 ने हासिल लिया 15-7 8, ठीक है ना, इतने हासिल लिया सी रह गया 5-5 2 3, 7-4 3, 5-3 2, 2-3-3-8 तुहाडा आंसर आएगा, ऑप्शन सी आ गया जी 29वें क्वेश्चन का भी आंसर। हूँ आप करना है लास्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, ध्यान देखियो। किसी फैक्टरी विच 21 दिन विच इन्ने क्लिप बनाए गए, तो एक दिन विच बेटा देखो जो एक तो ज़्यादा, एक दिन विच इन्ने, 21 दिन विच किन्ने, एक तो ज़्यादा जाओ तो गुणा करते हैं, तो जे ज़्यादा तो घट विच आओ तो भाग करते हैं। ये मतलब असं की करांगे, 8715 नूं भाग करांगे 21 दे नाल, है ना, ध्यान देखना सारे ने। देखो बेटा 21-4 84 बकाया बचा 3 उपर उतार लिया 1, 21-1 21 बकाया 10 उपर उतार लिया 5, तो 21-5 105, इहदा मतलब आंसर किन्ना आ गया 415। 30वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन आ चुका है। इस तरह से अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया, उम्मीद है तुहानू समझ आया होगा। जेकर मेरी वीडियो वधिया लगी हुई, मेरा पढ़ाया तुहानू समझ आ रहा होवे, तां जरूर उसनू लाइक करना है, जरूर कमेंट करया करो कि तुहानू मेरा पढ़ाया समझ आया कि नहीं, तो मेरे चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुल्यो। तो जे इस तो इलावा कोई डाउट जां तुहानू कोई वीडियो चाहिए है तुहाडे सिलेबस दे रिगार्डिंगली, तुहाडे नैक्सट सिलेबस दे रिगार्डिंगली, तुसीं मैनू इस नंबर ते वट्सअप कर सकते हो। तुहानू तुहाडे वट्सअप नंबर ते वीडियो जां PDF मिल जाएगी।